नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सेठ मटेरियल बुक रीडिंग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 22, द फ्यूचर, भविष्य। अब यानी कि नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में सेठ कहते हैं, आप हर समय स्वयं के नए क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। प्रजाति अब ऐसे चरण में प्रवेश कर रही है, एक ऐसा काल जिसमें वह और अधिक अन्य अपने स्वरूप में, अधिक अपने स्वरूप में आ जाएगी। तब मानव जाति अपने नए घर में प्रवेश करेगी, लेकिन भौतिक परिवर्तन आंतरिक परिवर्तनों और संभावनाओं की मुख्य रेखाओं में परिवर्तन का परिणाम होंगे। ईसाई धर्मशास्त्र दुनिया के अंत को कुछ निश्चित शब्दों में देखता है, जिसमें एक भव्य ईश्वर अच्छे लोगों को पुरस्कृत करने और दुष्टों को दंडित करने के लिए आएगा। विश्वास की यह प्रणाली किसी अन्य संभावना की अनुमति नहीं देती है। कुछ लोग दुनिया के अंत को एक बड़ी आपदा के रूप में देखते हैं या कल्पना करते हैं कि मनुष्य अंततः अपने ग्रह को बर्बाद कर देगा। अन्य लोग शांति और उन्नति के दौर देखते हैं और प्रत्येक संभावना कहीं न कहीं घटित होगी। हालांकि मेरे कई पाठक या उनकी संतान ने स्वार्थ के एक नए आयाम में शामिल होगी, जिसमें चेतना की पूरी तरह से खोज की जाती है और आत्मा की संभावनाओं को कम से कम कुछ हद तक उजागर किया जाता है। मानवीय क्षमताओं को वैसे ही देखा जाएगा जैसे वे है, और विकास का एक महान नया दौर आएगा जिसमें स्वार्थ और वास्तविकता की सभी अवधारणाओं को वस्तुतः आदिम अंधविश्वास के रूप में देखा जाएगा। प्रजातियां वास्तव में एक नए प्रकार के स्वत्व की ओर अग्रसर होंगी, यानी कि सत्व की ओर अग्रसर होंगी। संभावनाओं के सिद्धांतों को व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक तथ्यों के रूप में देखा जाएगा, जो व्यक्ति को छूट और स्वतंत्रता देगा, जो अब बाहरी घटनाओं की दया पर महसूस नहीं करेगा, बल्कि इसके बजाय यह महसूस करेगा कि यह या वह उनका आरंभ करता है। तो शेठ आगे कहते हैं, अब यानी कि नाउ, आप अपने स्वार्थ के महान फल को एक छोटे से असहज गुदे में निचोड़ते हैं। इसके रस की मिठास या इसके मौसम की विविधता से अनजान आप अपने आप को बाहरी रूप से देखते हैं, जैसे कि एक आड़ू केवल अपनी त्वचा के बारे में जानता हो। हालांकि मुझे लगता है कि वास्तविकता में लोग स्वयं के कहीं बड़े पहलुओं से परिचित हो जाएंगे और इन्हें साकार रूप में लाएंगे। वे अपने स्वयं के निर्णयों से के संपर्क में रहेंगे। यदि वे बीमार हो जाते हैं तो वे ऐसा यह जानते हुए करेंगे कि वे विकास के कुछ क्षेत्रों पर जोर देने या दूसरों को काम कम करने के लिए इस स्थिति को चुनते हैं। वे सचेत रूप से अपने विकल्पों से अवगत होंगे, शरीर की महान शक्ति और लचीलेपन को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा। इसलिए नहीं कि चिकित्सा विज्ञान शानदार खोजें करता है, हालांकि यह करेगा, बल्कि इसलिए कि शरीर के साथ मन का गठबंधन अधिक स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। जैसा होम्योपैथी में हम शरीर के साथ मन के गठबंधन को देख रहे हैं कि कैसे मन खराब होता है तो शरीर बीमार पड़ता है, शरीर लचीला हो जाता है या फिर टाइटनेस आ जाती है, कैसे ये होता है, ये हम सब होम्योपैथी में, जो भी होम्योपैथ इसको सुन रहे हैं वो उनको पता चल जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। शेठ उसी के बारे में बता रहे कि भाई काफ़ी साल पहले की बात है, ये शायद 25-30 साल पहले ये बात उन्होंने कह के चले गए कि भाई ऐसा होगा। मैं जिस संभावना के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें प्रजातियों को मानव शरीर और दिमाग की विशाल अछूती जबरन क्षमता को पूरा करने में निहित बड़ी चुनौती का सामना करना शुरू हो जाएगा।
उस संभावित वास्तविकता में जिससे आप में से प्रत्येक कुछ हद तक संबंधित हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कार्रवाई और निर्णय की अंतर्निहित शक्ति को पहचानेगा और उस भौतिक दुनिया के साथ अपनेपन की एक व्यक्तिगत भावना महसूस करेगा जो उभरती है व्यक्तिगत इच्छा और विश्वास की प्रतिक्रिया के रूप में। और आके बोलते हैं कि लेकिन याद रखें, आप इसे ब्रह्मा अपना ब्रह्मांड और अपनी वास्तविकता कहते हैं और यह वास्तव में है क्योंकि आप इसे बनाते हैं। आपके भीतर भी अन्य महान प्रयोगों का ज्ञान है जो आजमाए जा रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे अन्य संभावित प्रणालियां उन प्रयोगों के बारे में जानती है जिनमें आप शामिल है। मैं केवल आपकी शर्तों पर बोल रहा हूँ जिसका अर्थ है कि कुछ हद तक मैं बचाव कर रहा हूँ, लेकिन अन्य सभ्यताएं आपके मार्ग पर चली गई हैं, कुछ असफल हुए हैं, लेकिन कुछ पृथ्वी के निवासी बहुत अच्छे से सफल हुए हैं, जैसा कि आप इसके बारे में सोचते हैं। आपका भविष्य निर्धारित नहीं है, आप अपनी चुनी हुई किसी भी राह पर चल सकते हैं, लेकिन जब तक आपको यह एहसास नहीं हो जाता कि एक व्यक्ति के रूप में आप अपना निजी जीवन स्वयं बनाते हैं और वास्तविकता के सामूहिक निर्माण में आपकी भूमिका है, तब तक आपके लिए आगे बहुत कुछ सीखना बाकी है। यह एक ऐसा पाठ है जिसे आपको भौतिक वास्तविकता के भीतर पूरी तरह से समझना है। आप भौतिक वास्तविकता का न्याय करने के लिए बने हैं। आपको यह महसूस करना है कि यह आपके विचार और भावना और छवियों का भौतिकीकरण है, कि आंतरिक आत्मा उस दुनिया का निर्माण करता है। आपके शब्दों में जब तक आप अपने विचारों और व्यक्तिपरक भावनाओं की महान शक्ति को नहीं सीख लेते, तब तक आपको अन्य आयामों में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसीलिए जब आप सोचते हैं कि आप नष्ट कर देंगे, तब भी आप कुछ भी नष्ट नहीं करते हैं, और जब आप सोचते हैं कि आप मारेंगे तो आप कुछ नहीं मारेंगे, और जब आप कल्पना करते हैं कि आप किसी वास्तविकता को नष्ट कर सकते हैं तो आप उस पर केवल तभी हमला कर सकते हैं जब आप उसे जानते हो। वास्तविकता स्वयं विद्यमान रहेगी क्योंकि ऐसा आप किसी विचार का अनुसरण नहीं कर सकते। आपको आश्चर्य होता है कि वह कहाँ चला गया, क्या यह आपके दिमाग में किसी अदृश्य चट्टाने से गिर गया है, लेकिन क्योंकि अब आप उस विचार को चेतना में नहीं रख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यह अब अस्तित्व में नहीं है, कि इसकी कोई अपनी कोई वास्तविकता नहीं है, क्योंकि यह वास्तव में मौजूद है। और यदि कोई संसार आपसे बच जाता है, यदि आप उसका अनुकरण नहीं कर सकते और सोचते हैं कि वह नष्ट हो गया है, तो वही बात संसार पर लागू होती है जो विचार पर लागू होती है। यह जीवित रहता है, चाहे हम माने या मान ना माने। हमारी सोच जो हमें लगता है कि वो खत्म हो गई, लेकिन वो जीवित है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई टाइम फ्रेम में, कोई ना कोई स्थिति में वो जीवित है। अब मैंने जो कहा है उससे आपके मन में सवाल उठने चाहिए। तो शेठ, इन शब्दों के साथ आज का ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। कल आखिरी दिन है हमारी इस जर्नी का। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।